और अब बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों की, जिसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, नागरिकता पर उठ रहे सवालों को लेकर यह याचिका राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाएं, इस तरह की याचिका दायर की गई कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए सेंट्रल होम मिनिस्टर को ऑर्डर किया जाए, याचिका दायर की गई थी। कोर्ट अब इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, दूसरा इसी मामले में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सुना गया, जिसमें कोर्ट ने केंद्र के वकीलों से भी राहुल की नागरिकता को लेकर जवाब मांग लिया है। केंद्र के वकीलों से जवाब मांगा है कोर्ट ने। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। अब इंडिया में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है, अगर आप इंडिया को तो आपको दूसरी नागरिकता छोड़नी होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का दावा करते हुए मांग की कि उनकी राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द की जाए। इस दौरान कोर्ट ने क्या कहा, आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर जानना जरूरी आप सबके लिए। कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है साहब कि इसी मुद्दे से संबंधित एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, ऐसे में दो अदालतें एक ही मुद्दे पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका का स्टेटस जानना न्याय के हित में होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पहले पता लग जाए वहां पर क्या स्टेटस है, क्योंकि सेम केस है। कोर्ट ने सेंटर को निर्देश दिया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की स्थिति का पता करें, याचिका की एक कॉपी भी प्राप्त करें। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ आश्वस्त होना चाहते कि हम किसी के, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसी सुनवाई चल रही है तो कोर्ट ने कहा कि हम बस ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि किसी के अधिकार क्षेत्र में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। अब राहुल गांधी की नागरिकता वाली इस याचिका की भी बात कर लेते हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि पता लगे याचिका का स्टेटस क्या है, जिसका जिक्र मैंने कहा ना दिल्ली हाईकोर्ट ने भी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल यानी बुधवार को, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता, दोहरी नागरिकता के जो आरोप है उस मामले में केंद्र सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस शिकायत पर सरकार ने कोई एक्शन लिया, कोई फैसला किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया था। ठीक, यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की, ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे की जांच की जाए, राहुल गांधी अगर अभी भी ब्रिटिश सिटीजन है तो। और उन्होंने कहा कि उन्हें कई जानकारियां मिली हैं, याचिकाकर्ता ने दलील दिया कि उनके पास तमाम सबूत हैं, दस्तावेज हैं, ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल्स हैं जिनसे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन हैं और डुअल सिटीजनशिप तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है, तो राहुल गांधी एक ब्रिटिश सिटीजन है ऐसा इनका दावा। ऐसे में राहुल गांधी ना सिर्फ भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही लोकसभा के सदस्य पद पर रह सकते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगी। ठीक, 9 अक्टूबर को सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट, 30 सितंबर को अभी सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट। यह मामला सीरियस हो गया राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर। कांग्रेस नेता आप जानते हैं राहुल गांधी सीनियर लीडर, राज्य सांसद जो हैं और वो एलओपी हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर हैं, लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं, करीब 21 साल से वो संसद के सदस्य हैं, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता एक बार फिर रद्द करने की मांग की जा रही है। वैसे मामला पुराना है लेकिन अब तो रद्द करने की मांग हो रही है। ये मामला करीब, मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल पुराना, थोड़ा समझिए, 5 साल से मामला चल रहा है राहुल गांधी की जो है भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। 6 अगस्त 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ना पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने स्वेच्छा से ये स्वीकार किया था कि वो ब्रिटिश नागरिक थे जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के योग्य हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में दावा किया था कि 2003 में, ध्यान से सुनिएगा, 2003 में बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक फर्म यूनाइटेड किंगडम्स में रजिस्टर हुई थी यूके, जिसके निदेशकों और सचिवों में से एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक फर्म ने 2005-06 में जो एनुअल रिटर्न दाखिल किया था उसमें पता चलता है कि राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। रिपोर्ट में स्वामी के हवाले से कहा गया है कि 17 फरवरी 2019 को बैकऑप्स लिमिटेड के विघटन आवेदन में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश घोषित की गई थी। यानी सुब्रमण्यम स्वामी के दावे के मुताबिक 2003 से 2009 तक राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गृह मंत्रालय ने 5 साल बाद भी उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, ना ही राहुल गांधी पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछ लिया कि उस शिकायत का क्या हुआ। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कोर्ट से अब अपील की है कि वो गृह मंत्रालय को ऑर्डर दें, निर्देश जारी करें कि गृह मंत्रालय राहुल गांधी के खिलाफ दायर किए गए अभिवादन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे कि सिचुएशन क्या है, वो है ब्रिटिश नागरिक या नहीं है। अब ये मामला बढ़ गया, बीजेपी कूद पड़ी। नलिन कोहली ने कहा है कि केंद्र सरकार जब एफिडेविट दाखिल करेगी तब राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी इसी देश में पैदा हुए हैं और वो इस देश की मिट्टी के लाल हैं। ऐसे में अगर नागरिकता के लिए उन्हें अपनी बात रखनी पड़े तो ये हास्यास्पद होगा। सुनाते हैं आपको। आरोप लगाए जा रहे हैं साहब कि राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है। समझिएगा आरोप क्या है, एक भारत की और दूसरी यूनाइटेड किंगडम्स की। ऐसे में आप ये जानना चाह रहे होंगे ना कि ये क्या लीगली गलत है। देखिए, हमारे देश में नागरिकता को लेकर क्या नियम है, क्या हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्या यूनाइटेड किंगडम यूके में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो चलिए एक बार जान लेते हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारे भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का नियम नहीं है। यानी कि अगर भारतीय को सिर्फ भारत की नागरिकता ही मान्य है, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है कि वो किसी और देश का वो नागरिक बनना चाह रहा है, तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द की जा सकती है। और यहीं पे चाह रहा है जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वो यूके के भी सिटीजन और इंडिया के भी हैं, तो अगर यूके के हैं तो इंडिया की उनकी सिटीजनशिप रद्द की जाए। अच्छा, यूके में ऐसा नहीं है, यूके में दोहरी डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिर्फ दोहरी नागरिकता लेने वालों का ही नहीं बल्कि और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से भारत सरकार का गृह मंत्रालय किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म कर सकती है। पहला कारण, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना। दूसरा, फर्जी जानकारी या दस्तावेज पेश करना और राज्य के प्रति निष्ठा में कमी। और दूसरा एक और कारण है कि 5 साल की अवधि के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। अगर ये सारे रीजंस होते हैं तो फिर एक तरीके से नागरिकता रद्द की जा सकती है।